जलियांवाला बाग गोलीकांड की 105वीं बरसी आज संगम नगरी प्रयागराज में मनाई गई। इस मौके पर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद शहीद आजम भगत सिंह स्मारक समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देश के लिए शहीद होने वाले जलियांवाला बाग के शहीदों को पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर अमर शहीदों की याद में पुलिस की बैंड पार्टी के जवानों द्वारा राष्ट्रीय धुन बजाया गया, तो वहीं सशस्त्र जवानों ने 21 गन शॉट के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद समिति के सदस्य अमन सिंह का कहना है कि हर वर्ष हम लोग 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को याद करते हुए कार्यक्रम करते हुए उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि शहीद चंद्रशेखर आजाद आजम भगत सिंह स्मारक समिति के सदस्य अमन सिंह ने और क्या कुछ कहा। किस तरह उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, आगे के लिए बच्चों के लिए क्या प्रेरणा? आज हम लोग अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 13 अप्रैल है और हर 13 अप्रैल हमको जलियांवाला बाग उस कांड की पुनरावृत्ति कराता है और शहीदों के लिए हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है, और इसीलिए हम सारे लोग प्रतिवर्ष यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विभिन्न स्कूलों के बच्चे किस उत्साह से अपने शहीदों को नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिले के गणमान्य लोग और भी देशभक्ति से प्रेम रखने वाले अधिकतम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम लोग हर साल शहीदों के प्रति अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। और उसी से संबंधित, चूँकि शहीदों की शहादत एक दुख का विषय तो ज़रूर है, लेकिन ये हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को एक गर्व का एहसास कराता है, इसलिए बच्चे एक उत्साह से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तैयार करके आते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास बच्चों की तरफ से होता है, इसलिए, और आप लोगों का भी इसमें सहयोग होता है, जिसके लिए मैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद शहीद आजम भगत सिंह स्मारक समिति की तरफ से अमन सिंह आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह। इस अवसर पर आजाद पार्क में बड़ी संख्या में स्कूलों से आए बच्चों के साथ ही शहर के गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो वहीं शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के पास इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर जलियांवाला बाग के शहीदों को याद किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह गौड़ ने भी जलियांवाला बाग कांड की याद को ताजा करते हुए कहा कि जनरल डायर ने जिस तरह निहत्थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें 400 के करीब शहीद हुए थे और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को हमेशा देश याद करेगा, और हम लोगों का दायित्व है कि शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए मार्गों पर चले। तो आइए यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह गौड़ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज जलियांवाला बाग के शहीदों को याद करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए, 1919 में जो जलियांवाला बाग में जो घटना घटी थी, हम समझते हैं महानतम क्रूरतम घटना थी। उसमें जनरल डायर ने जिस तरह से वहाँ पर शांतपूर्वक ढंग से लोग वहाँ पर लोलेट एक्ट का विरोध करने में उपस्थित थे, वहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 400 से के लगभग लोग मारे गए थे, 2000 से लोग घायल हुए थे। उसकी स्मृति में उनको नमन करने के लिए आज यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हम लोग उपस्थित हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए, इससे हमें लगता है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में किस तरह से भारत के अंदर उन्होंने अपने शासन को जमाए रखने के लिए किस हद तक जा सकते थे उन्होंने किया, और उसके विरोध में पूरे देश के अंदर एक स्वतंत्रता की आग लगी और उसके कारण से अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। मैं पुनः उन शहीदों को नमन करता हूँ। वहीं विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने जलियांवाला बाग कांड में शहीद हुए लोगों की याद में जलियांवाला बाग गोली कांड को नाटक के जरिए मंचन कर उन्हें याद किया। साथ ही देशभक्ति से ओतप्रोत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। स्कूलों से आए बच्चों ने कहा कि आज हम जलियांवाला बाग गोलीकांड में शहीद हुए देशभक्तों की याद में कार्यक्रम कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि स्कूलों की छात्रा प्रियांशी सिंह और सृष्टि सिंह ने क्या कुछ कहा।
यहाँ प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद जी के पार्क में, जहाँ पे उन्होंने शहीद जो हुए थे वहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को याद करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनके लिए हम प्रोग्राम के माध्यम से कुछ उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उन्हीं शहीदों को याद करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है? प्रियांशी सिंह नाम है, GGIC सिविल लाइन प्रयागराज। आज हम आज़ाद पार्क में आए हैं, जो हत्याकांड हुआ था अंग्रेज़ों ने जो किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको आज हम श्रद्धांजलि देने आए हैं एक नाटक के तौर में। हम जगत तारण गर्ल्स इंटर कॉलेज से हैं। क्या नाम है? सृष्टि सिंह। हर वर्ष प्रयागराज के शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में, जहां अंग्रेजों से लोहा लेते हुए चंद्रशेखर जी शहीद हुए थे, उसे पावन स्थल पर जलियांवाला बाग गोलीकांड को याद करते हुए उन अमर देशभक्तों को श्रद्धांजलि दी जाती, ताकि आज की पीढ़ी को भी देश पर मर मिटने वाले शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा मिले। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल।